नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिसमस स्पेशल स्वीट, जो कि मैंने चॉकलेट से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं। ये चॉकलेट स्वीट रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिल्क कंपाउंड लिया है और डार्क कंपाउंड लिया है। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप इसे अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। इस डार्क कंपाउंड का प्राइस है 85 रुपीज और मिल्क कंपाउंड का प्राइस है 100 रुपीज। इसके अंदर काफी बड़ी बार निकलती है और इनसे आप लगभग 50 चॉकलेट्स बना सकते हैं। अब मैं आपको ये मिल्क कंपाउंड खोलकर दिखाती हूँ। इसके पैकेट से चॉकलेट निकाल लेते हैं बाहर, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से 4 बार निकले हैं। ये थोड़ा लाइट कलर का होता है। अब ये डार्क कंपाउंड का पैकेट भी खोल लेंगे और इसमें से चॉकलेट बाहर निकालेंगे। इसके अंदर भी 4 बार्स निकलते हैं, तो आप देख सकते हैं इनके कलर में डिफरेंस। अब हम एक स्टील का बाउल लेंगे और इसके अंदर ये कंपाउंड डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक डार्क चॉकलेट का बार लिया है और 2 मिल्क चॉकलेट का। हमें यहाँ चॉकलेट कंपाउंड का रेशो यही रखना है। अब हम गैस पर एक बर्तन रखेंगे और उसमें लगभग 2 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम अपना चॉकलेट वाला बर्तन इसके ऊपर रख लेंगे और अब इसे गर्म होने देंगे। इसे डबल बॉयलर प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर चॉकलेट को गर्म होने देंगे। अब ये देखिए, ये चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट होने लग गई है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जब तक ये मेल्ट हो रही है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें ये 1/2 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। ये घी गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें डालेंगे 7 से 8 पिस्ता कटा हुआ, 7 से 8 काजू टुकड़ा और ये 4 से 5 बादाम ऐसे टूटा हुआ। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इन्हें लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। हमें ये ड्राई फ्रूट सिर्फ तब तक भूनने हैं जब तक कि इनमें से अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। खुशबू आते ही गैस का फ्लेम बंद कर दें। ये ड्राई फ्रूट्स में से खुशबू आनी शुरू हो चुकी है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब 1 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे चुटकी भर नमक। नमक से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चॉकलेट के अंदर। ये नमक मिक्स कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स में। ये ड्राई फ्रूट्स रेडी हैं, तो अब इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अब चॉकलेट को थोड़ा और स्मूथ बनाने के लिए स्पून से ऐसे चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मलाई। यहाँ पर मैंने मलाई को ठंडा करके इसमें डाल रही हूँ और इसे चॉकलेट के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप मलाई को इसके अंदर मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चॉकलेट डार्क होता चला जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। ये चॉकलेट डो में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहले से कितना थिक हो चुका है ये, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चॉकलेट डो तैयार है, तो अब इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे अभी उन्हें डाल देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा के रखेंगे जिससे हम गार्निश करेंगे। तो अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स इस चॉकलेट डो के अंदर मिक्स हो जाए। बर्तन को किसी चीज़ से पकड़ लें क्योंकि अभी ये डो थिक हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट सारे डो के अंदर मिल जाएं। ये चॉकलेट डो तैयार है, तो अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब एक सिल्वर फॉइल लेंगे और उसके ऊपर ये डो आराम से रख देंगे। इसे हमें एक लाइन में रखना है क्योंकि अभी हम इसका रोल बनाएंगे।
स्पून की हेल्प से थोड़ा सा सेट करेंगे इसे अभी। अब फॉइल को एक तरफ से ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर रोल करेंगे और इसे इस तरीके से रोल करते हुए बनाना है। आप फॉइल की जगह किसी पॉलिथीन का भी यूज कर सकते हैं। मुझे इसे नीचे से फ्लैट रखना है तो मैं इसे नीचे से फ्लैट रखने के लिए इस तरीके से डैप करूंगी, जिससे नीचे से इसकी फ्लैट शेप आएगी और ऊपर से ये ओवल शेप में आएगा। आप चाहें तो इसे राउंड शेप में भी बना सकते हैं, आपको बस इस तरीके से रोल करना होगा उसके लिए। तो अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। पांच मिनट बाद इसे फ्रिज से निकाल लिया है मैंने। अब ये रैप खोलेंगे। हमने इसे फ्रीजर में सिर्फ 5 मिनट के लिए रखा था ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। ध्यान रखें ज्यादा देर के लिए फ्रीजर में ना रखें, अदरवाइज ये रोल टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक नाइफ से इनके पीसेस करते जाना है। और ये सारे पीसेस हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ये सारे पीसेस हमने प्लेट पर निकाल लिए हैं तो अब इन्हें फ्रिज में जमने के लिए रख देते हैं। आधे घंटे बाद मैंने ये प्लेट बाहर निकाल लिया है फ्रीजर से। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल थिक हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब थोड़ा सा मेल्टेड डार्क चॉकलेट लेंगे और इन्हें इसके ऊपर कोट करेंगे। ये इस तरीके से मेल्टेड चॉकलेट लगाएंगे इसके ऊपर। और अब इस पर डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले बचा के रखे थे। इसे बहुत ही सुंदर लगेगा। इसे हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि ये निकल ना जाए। और सारे पीसेस पर सेम तरीके से ही मेल्टेड चॉकलेट लगाएंगे पहले और ड्राई फ्रूट से इस तरीके से गार्निश कर देंगे। बाकी सारे पीसेस भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो ये सारे पीसेस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें फिर से 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 10 मिनट बाद मैंने फ्रीजर से इन्हें निकाल लिया है और एक प्लेट पे रख लिया है। आप देख सकते हैं ये स्वीट कितनी सुंदर लग रही है देखने में और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।